अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है फिज़ा अब्दुल मनान। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। गोहर पब्लिशर में आप सबको खुश आमदीद। हमारा मोटो है रीडिफाइनिंग द ज्योग्राफी ऑफ एजुकेशन थ्रू डिजिटल रिसोर्सेज फॉर कॉन्सेप्चुअल लर्निंग, और हमारी किताब का नाम है गोहर ग्रेस उर्दू प्ले ग्रुप 3+। सफ़ा नंबर 80 पे हम मिलने जा रहे हैं एक और दोस्त से, लेकिन उससे पहले कुछ हदायत हैं जो असाज़ा के लिए हैं। देखते हैं वो क्या हदायत हैं। हदायत नंबर 1 पे हमारे पास मौजूद है, बच्चों को उर्दू हरूफ़ ताजी के हर्फ हमज़ा के बारे में बताएं कि हमज़ा से कोई लफ्ज़ शुरू नहीं होता लेकिन ये अल्फाज में इस्तेमाल होता है। उंगली से हवा में लिख के दिखाएं। बच्चों को बताएं कि हमज़ा का तलफ़ुज़ हमज़ा है। लिखने और खाकों में रंग भरने में बच्चों की रहनुमाई करें। बच्चों को बताएं कि एक ख़ास किस्म का पौधा जिसकी पत्तियां उबाल कर पी जाती हैं, इसे चाय कहते हैं। गाय से हमें दूध और गोश्त हासिल होता है। अब हम बढ़ते हैं अपने सबक की तरफ। जी बच्चों, यहाँ पे हमारे पास मौजूद है हमज़ा। हमज़ा की आवाज़ है अ, लेकिन आपको पता है कि हमज़ा से कोई लफ्ज़ शुरू नहीं होता। जैसे हे फ्रेंड दोस्त था हुदहुद का, जैसे हे दोस्त था हुदहुद का, अलिफ दोस्त था अनार का, अलिफ आमद आ दोस्त था आम का। इसी तरह हमज़ा से कोई लफ्ज़ शुरू तो नहीं होता, लेकिन ऐसा नहीं है कि हमज़ा का दोस्त कोई नहीं होता। हमज़ा के दोस्त हैं यहाँ पे हमारे पास मौजूद सफ़ा नंबर 80 पे। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है हमज़ा चाय, और आप देख सकते हैं कि च अ च अ ए ए चाय, हमज़ा इसके ऊपर मौजूद है। आपको पता है अगर हमज़ा यहाँ ना होता तो वो चाय बनती नहीं, चाय तो ऐसे लिखा ही नहीं जाता। इसी तरह हमारे पास मौजूद है एक और दोस्त जो है साइकिल। वो किसका दोस्त है? हमज़ा का दोस्त है। ज़रा आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है सीन अलिफ सा आई कल साइकिल, और यहाँ पे भी आप हमज़ा लफ्ज देख सकते हैं। आखिर में हमारे पास मौजूद है गायें। जैसा कि आपको पता है कि गाय का गोश्त हम खाने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं और गाय का दूध भी हम पीते हैं, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमज़ा के कितने दोस्त मौजूद हैं? 3 दोस्त मौजूद हैं। हमज़ा चाय, हमज़ा साइकिल, हमज़ा गाय। तो बच्चों, कैसा लगा आपको हमज़ा के दोस्तों के साथ मिलकर? पता चल गया ना कि हमज़ा से कोई लफ्ज़ शुरू तो नहीं होता लेकिन हमज़ा के दोस्त होते हैं, और हमज़ा अल्फाज के दरमियान में इस्तेमाल किया जाता है। उम्मीद करती हूँ कि आपको हमज़ा के दोस्त बहुत पसंद आए होंगे। किसी बड़े की रहनुमाई के साथ दोहराते रहें ताकि रवानी बनी रहे। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।